हेलो एवरीवन वन मैं रूपाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू रूपालीस किचन तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हरी मिर्च के सालन की रेसिपी तो ये सालन जो है इसे बिरयानी के साथ में सर्व किया जाता है या तो वेज बिरयानी या फिर चिकन बिरयानी के साथ में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं बेसिकली इसे वेज बिरयानी के साथ में सर्व किया जाता है तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ फटाफट -फ़्ट से अगर आपने तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने एक फाइन पैन में लिया है मूंगफली के दाने इनको हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है कलर आने तक हमें इन्हें अच्छे से भून लेना है तो ये देखिए यहाँ पे हमारे मूंगफली के दाने जो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं आप देख सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं तो उसी फ्राइंग पैन में यहाँ पे मैंने ले लिए है सेसमी सीड यानी तिल के जो दाने होते हैं वो ले लिए और यहाँ पे उसी के साथ में मैंने दो चम्मच के करीब जो है खसखस होती है वो ले लिया अब इन सभी को भी हमें अच्छे से भून लेना है इनको भूनने से क्या होता है इनके अंदर के जो अरोमस होते हैं ना जो ऑयल होता है वो रिलीज हो जाते हैं अब यहाँ पे मैंने लिया है एक एक आधा नारियल का भी आधा करके मैंने ये नारियल लिया है इसको मैंने कट कर लिया था जिससे अच्छे से भून जाएगा इन सभी को आपस में भून लेंगे और ये देखिए भूनने के बाद में इनका कलर चेंज हो गया है और ये अब भून चुके हैं अब इन्हें हमें एक अलग से कटोरी में निकाल लेंगे और अब हमें इन्हें ठंडा करना है ठंडा करने के बाद में ही हम इन्हें पीसेंगे तो इसे अच्छे से ठंडा कर लीजिए तो चलिए अब इसे मिक्सर जार में डाल के इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ मैं तो यहाँ पे जो हमने मूंगफली के दाने भून के रखे थे वो मूंगफली के दाने भी इसमें डाल देंगे अब एक इंच के करीब अदरक का टुकड़ा मैंने यहाँ पे लिया वो डाल दिया और पाँच से छः लहसुन की कलियाँ मैंने ली है अब हमें इनका पेस्ट बनाना है तो थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डाल देते हैं और अब हमें ना बल्ब मोड में करके इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे तो यहाँ पर हमारा पेस्ट बन तैयार है तो मसाले जो हमने बोले थे उनका पेस्ट बन गया है अब इसे मैं अलग से निकाल लेती हूँ कटोरी में तो यहाँ पे मैंने लिए कढ़ाई और कढ़ाई में लिया है थोड़ा सा तेल अब यहाँ पे हमें मिर्ची का सालन बनाना है तो उसकी मिर्ची की तैयारी तो हमें करनी पड़ेगी तो मिर्ची को यहाँ पे मैंने मोटी वाली मिर्ची ली है इसकी जगह आप पत्ली वाली मिर्ची भी ले सकते हैं पर वो बहुत तीखी होती है मुझे बहुत ज़्यादा तीखा नहीं चाहिए था क्योंकि अभी इसमें और मसाले भी पड़ेंगे तो यहाँ पर मैंने ये मोटी वाली अचारी वाली जो मिर्ची होती है ये भी ये भी काफ़ी तीखी थी ऐसा नहीं है कि ये तीखी नहीं थी तो इनको मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है इनको मैं अलग से निकाल लेती हूँ तो ये देखिए कितनी बढ़िया सी फ्राई हो चुके हैं ये तो अब मैंने उसी कढ़ाइया में दो तो छोटी बली यानी चार आठ चम्मच के करीब ऑयल और डाल दिया है क्योंकि अभी हमें ग्रेवी इसकी जो चटनी है वो बनानी है तो यहाँ पे मैंने है एक चम्मच सरसों और एक चम्मच के करीब जीरा लिया है और पांच से छह कड़ी पत्ते की जो पत्तियाँ होती हैं उनको लिया है इनको अच्छे से तड़का लिया है अब यहाँ पे मैंने एक छोटा प्याज लिया है जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था इन सभी को हमें आपस में भून लेना है प्याज को हमें ट्रांसल्यूसेंट होने तक पकाना है यहाँ पे मैंने लिया आधे चम्मच के करीब हल्दी और दो चम दो से तीन ढाई चम्मच के करीब मैंने हरी मिर्च ए, लाल मिर्च ली है और गर्म मसाला डाला है जीरा मसाला डाला है और दो चम्मच के करीब हरा धनिया का पाउडर मैंने इसमें डाला है तो इन सबको अच्छे से भून लेंगे तेल में तो गाइज मेरे यहाँ पे थोड़ा सा गला ख़राब है सर्दी हो रखी है इसलिए तो अगर आपको आवाज़ अजीब सी लग रही है तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना तो यहाँ पे मैंने इसमें डाल दिया था एक चम्मच के करीब नमक यानी स्वाद के अनुसार नमक और अब मैंने जो होती है इमली जो होती है उसको मैंने पानी में गर्म करके बॉईल करके उसका पानी का जो एक्सट्रैक्ट होता है वो ले लिया था और यहाँ पे एक थोड़ा सा मैंने दो चम्मच के करीब समझ लो आप गुड़ लिया है तो गुड़ को भी अब हम इसमें घोल लेंगे ये चटनी काफ़ी अच्छी लगती है खट्टी मीठी बहुत अच्छी लगती है बिरयानी के साथ में तो बहुत ही अच्छी लगती है और बहुत ही लाजवाब ये बन तैयार हुई थी अः uh, हवा हमने जो पेस्ट बना के रखा था अपना उस पेस्ट को हम इसमें डाल देंगे और इसको डाल के अच्छे से हमें भून लेना है तो यहाँ पे क्या है हमने जो डाला है वो सारे ऐसे मसाले डाले हैं जिनका अपना खुद का एक ऑयल होता है तो थोड़ी देर बाद में ये सभी है ना अपना ऑयल रिलीज कर देंगे इस मसाले में तो उसी मसाले में मिक्सर जार में मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको शेक करके वो पानी भी इसमें डाल दिया अब बस हमें इसे उबालना है और इसे ढक के हम थोड़ा दस मिनट के लिए पाँच मिनट के लिए उबाल लेंगे तो ये देखिए ऑयल इसमें रिलीज़ हो चुका है ऊपर से अच्छे से ऑयल आ चुका है तो और हमने जो हरी मिर्च फ्राई करके रखी थी वो हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे बस इसे मिक्स कर लेंगे और हमारी जो है बढ़िया सी चटनी बिरयानी के साथ में सर्व की जाने वाली चटनी या फिर आप कह सकते हैं ऐसे मिर्ची का सालन ये बन के तैयार हैदराबाद है में तो ये बहुत ही फेमस है जब भी आप कभी बिरयानी लेंगे तो उसके साथ में आपको ये मिर्ची का सालन ज़रूर दिया जाएगा और साथ में दिया जाएगा रायता <coughs> तो यहाँ पर मेरा सालन बन के तैयार है इसे मैं सर्व कर लेती हूँ तो देखिए बढ़िया से बनके तैयार है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय